ये एक ऐसा हाईवे था जहां पर लोग अक्सर जाने से बचते थे, क्योंकि कहते हैं कि इस हाईवे पर भूत प्रेत या आत्माएं जैसी चीजें अक्सर देखी जाती हैं। ये हाईवे किसी इंसान को आत्माओं से मिलने का अनुभव कराती है, इसलिए कुछ लोग तो इसे भूतों का हाईवे भी कहते हैं। वैसे ये एक शॉर्टकट रास्ता है जहां से अक्सर ट्रक और गाड़ियां अपने 50 किलोमीटर का सफर कम कर लेती हैं, और बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस रास्ते से जाने का साहस जुटा पाते हैं, और वो भी सिर्फ दिन के समय। मेरा नाम श्याम है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मुझे मेरे मालिक ने बोला है कि अगर मैं ये सामान समय से अपनी जगह पहुंचा देता हूं, तो वो मुझे मेरे किराए के साथ साथ 10% अलग से किराया भी देंगे। ये सुन मैं बहुत खुश हो जाता हूं और मैं तय करता हूं कि ये सामान की डिलीवरी तो मैं ही करूंगा। बस यही सोचकर मैं जल्दी से ट्रक को लोड कराने लगता हूं और अपने हेल्पर के साथ मालिक के बताए हुए एड्रेस की तरफ अपने ट्रक को मोड़ देता हूं। क्योंकि मुझे ये सामान जल्दी पहुंचाना था, इसलिए मैं अपने ट्रक को बहुत तेजी से हाईवे पर दौड़ाने लगता हूं। मेरा ट्रक हाईवे पर लगातार 100 से ऊपर की स्पीड पर दौड़ रहा था। अभी मैं करीब 30 किलोमीटर ही चला था कि हाईवे में मेरा ट्रक पंचर हो जाता है। ये देख मैं बुरी तरह से घबरा जाता हूं और मैं अपने हेल्पर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता हूं, क्योंकि मैंने उसे बोला था कि चलने से पहले गाड़ी और उसके टायर को अच्छी तरह से चेक कर लेना, और तुम्हारी वजह से शायद मैं आज पहुंचने में लेट हो सकता हूं। अब हम ट्रक से उतरकर पहिये को बदलने लगते हैं। पहिये को बदलने में करीब 2 घंटे का समय लग जाता है। हम लोग पहले से ही लेट थे और साथ में ये 2 घंटे का काम और बढ़ गया। मैं अपने हेल्पर पर एक बार फिर से गुस्सा होने लगता हूँ। धीरे धीरे आसमान में अंधेरा छाने लगा था और रास्ता इतना लंबा था कि अब मुझे लगने लगा था कि शायद मैं अब वहां समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी मुझे उस शॉर्टकट रास्ते का ध्यान आता है जहां अक्सर लोग जाने से बचते हैं, और अब मैं बिना कुछ सोचे समझे उस रास्ते पे अपना ट्रक मोड़ देता हूं। ये देख मेरा हेल्पर मुझे देखता है और बोलता है कि सर ये कहां लेके जा रहे हो। हेल्पर बुरी तरह से डर जाता है। वो मुझे उस रास्ते पे जाने के लिए लगातार मना करता रहता है, लेकिन मैं उसकी बात को अनसुना कर मैं तो हर बात से अनजान, मुझे तो कैसे भी टाइम से ट्रक अपनी जगह पहुंचाना था। और फिर उस सुनसान जंगल से घिरा हुआ जहां लंबे लंबे पेड़ सड़क के दोनों ओर देखे जा सकते थे, हर तरफ एक अंधेरा सा छाया हुआ था और जंगल से अजीब अजीब आवाजें भी आ रही थी, लेकिन मैं इन सब चीजों से अनजान फुल स्पीड में अपना ट्रक दौड़ा रहा था। अचानक ही गाड़ी का इंजन बंद हो जाता है। अब हमारे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैं और हेल्पर बाहर आके इंजन को चेक करने लगते हैं। तभी मुझे फिर से कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। मैंने मुड़कर देखा तो सड़क से कुछ दूर एक पुराना बंगला दिखाई देता है। ये हल्की हल्की आवाजें जरूर इस बंगले से ही आ रही थी। मैंने हेल्पर को बोला कि तू ट्रक के पास रुक जा, मैं बंगले के अंदर जाता हूँ, वहां से किसी से हेल्प लेकर आता हूँ अपने ट्रक को ठीक करवाने के लिए। हेल्पर उसे ना जाने के लिए बोलता है, लेकिन मैं इतनी देर में उस बंगले तक पहुंच जाता हूँ। गेट पे लिखा हुआ था कि अंदर आना मना है, वरना आपके साथ जो होगा उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। मैंने चेतावनी को अनदेखा किया और धीरे से दरवाजा खुला और अंदर की तरफ चला गया। वहां पर थोड़ा अंधेरा था। दाईं तरफ देखा तो एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था। उस शीशे के अंदर मेरा प्रतिबिंब बिल्कुल साफ दिख रहा था, और शीशे के अंदर उस बंगले में रखी हुई हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही थी। तभी पीछे से मुझे किसी ने आवाज दी और बोलता है कि तुम्हें मेरी चेतावनी सुन लेनी चाहिए थी, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके तुम खुद जिम्मेदार होगे। अचानक मेरे दिल की धड़कनें तेज तेज दौड़ने लगती हैं। मैं घबराकर पीछे मुड़ के देखता हूं तो वहां पर कोई भी नहीं होता। अब मैं बुरी तरह से डर जाता हूं। इस हाईवे की बताई हुई कहानियां मेरे दिमाग में दौड़ने लगती हैं कि यहां पर भूत प्रेत और आत्माओं का साया होता है। अब मैं बिना देर के जल्दी से गेट की तरफ दौड़ता हूं और दरवाजा खोलने लगता हूं, लेकिन मेरी लाख कोशिशों के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुलता।
तभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। अब मैं एक बार फिर से घबरा के पीछे मुड़ के देखता हूं, लेकिन उस बंगले में आसपास तो क्या दूर दूर तक भी कोई नहीं दिखाई देता। मैं इस बंगले में बिल्कुल भी अकेला नहीं था, मेरे साथ कोई तो था, कुछ तो था जो मैं देख नहीं पा रहा या मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैंने बंगले के चारों तरफ देखा, लेकिन वहां मुझे कुछ नहीं दिखा और सिर्फ ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद कोई मेरे पास खड़ा है जो लगातार मुझे कुछ बोले जा रहा है। तभी मुझे अचानक से एक परछाई दिखाई देती है। मैं वहां देखता हूं कि एक औरत खड़ी है जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना है, जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी हैं और मुंह से हल्का सा खून भी निकल रहा है। ये नजारा देख मैं बुरी तरह से डर जाता हूं। अब एक एक करके वे औरत बहुत सारी औरतों में बदल जाती है और वे बोलती है कि अब तेरा आखिरी वक्त नजदीक आ गया है। इसके बाद तभी मुझे महसूस होता है कि मेरे ऊपर किसी ने बहुत सारी राख फेंकी है और देखते ही देखते मैं बेहोश होकर नीचे फर्श पर गिर जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे होश आता है और मैं देखता हूँ कि मेरा हेल्पर मुझे लगातार उठने के लिए बोल रहा था। वे बताता है कि जब मैं उनसे माफी के लिए बोल रहा था, तभी मैंने तांत्रिक का पढ़ा हुआ एक मंत्र वाली राख तुम्हारे ऊपर डाल दी थी, जिसके बाद उन आत्माओं का असर तुम्हारे ऊपर से पूरी तरह से खत्म हो गया था। और हेल्पर बताता है कि हम लोगों को अक्सर सफर में इस तरह की आत्माओं का मिलना बहुत ज्यादा सामान्य होता है, इसलिए मैं तांत्रिक की पढ़ी हुई राख हमेशा अपने साथ रखता हूँ। मैं हेल्पर से पूछता हूँ कि यहाँ पर अभी जो बंगला था वो कहाँ गया। हेल्पर बोलता है कि मैंने तो यहाँ किसी भी तरह का कोई बंगला नहीं देखा। पता नहीं आप क्यों बोल रहे थे कि सामने एक बंगला है और वहाँ से तरह तरह की आवाजें आ रही हैं और आप वहाँ हेल्प करने के लिए चले गए थे। मेरे तभी समझ में आ गया था कि हो ना हो ये एक छलावा है जिसके भ्रम में आकर तुम उसकी तरफ खींचे चले आ रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गया था और मैंने समय रहते हुए तुम्हें उन आत्माओं से बचा लिया। अब मैं दूर दूर तक देखता हूँ, मुझे वो बंगला कहीं नहीं दिखाई देता। हर तरफ अंधेरा जंगल था और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। अब मैं समझ चुका था कि लोग अक्सर यहाँ आने से क्यों डरते हैं। अब मैं हेल्पर से बोलता हूँ कि हमें यहाँ से जल्द निकल पड़ना चाहिए और हम ट्रक की तरफ को चल देते हैं। तभी हेल्पर बताता है कि मैंने ट्रक को भी ठीक कर दिया है और अब हम उससे जा सकते हैं। इसके बाद हम अपने ट्रक में बैठकर अपने सफर की तरफ चल देते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई हॉरर स्टोरी हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।